नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। पीरागढ़ के उद्योग नगर स्थित जूता फैक्ट्री गोदाम में लगी आग को बुझाने के बाद डेड बॉडी को ढूंढने के अभियान में फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर चोट लगी थी। उनको 22 जून को ही पश्चिम बिहार के बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। हालांकि रिब्स डैमेज हो गया है और उसे ठीक होने में 20 से 25 दिन और लग सकते हैं। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग, डिविजनल फायर ऑफिसर एमके चट्टोपाध्याय, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर सरबजीत सिंह हॉस्पिटल में राजीव शुक्ला से मिलने पहुंचे। उनसे स्वास्थ्य को लेकर हालचाल पूछा और उनकी हौसला अफजाई भी किया। जल्द ठीक होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा, डॉक्टरों से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा, रिकवरी हो रही है। जल्द फायर ऑफिसर राजीव शुक्ला ठीक होकर फिर से फायर फाइटिंग पर जाएंगे। आप बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में आए थे, किन को देखने आए थे और क्या पोजीशन है? ये आपको पता होगा, जैसा कि एक उद्योग नगर में जो हमारे यहाँ आग लग गई थी, उसमें हमारे एक अफसर जो थे वो थोड़े स्लिप हो गए थे। उनको चोट लगी थी तो उनकी जो है उनको जरा देखने आए थे, उनको राहत बताने आए थे कि उनकी ठीक ठाक है और हमारे अफसर भी ठीक है, ये तो गुड नाउ। और क्या पोजीशन है उनकी अभी, कहाँ चोट लगी थी सर उनको? ये गिर गए थे तो इससे जो है उनकी जो है रीढ़ की जो पसली होती है ना, उनमें फ्रैक्चर आ गया था और शुरू में उनको सांस लेने की भी थोड़ी परेशानी थी। नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल। कब तक उम्मीद है, डॉक्टर कह रहे हैं डिस्चार्ज के लिए? देखिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टर वगैरह नहीं हो सकता है, इसलिए नेचुरल हीलिंग होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर वैसे वो स्वस्थ हैं। कोई उनके जो ये खतरा नहीं है कि कोई जान का खतरा हो या थ्रेटनिंग हो, लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा कुछ नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहें एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।